पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984789810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, अष्टानिक महापर्व की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए अरहम योग प्रणेता परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की, नमोस्तु गुरुदेव। इस महामह नंदीश्वर पूजा करने के लिए आए हुए सभी चारों निकाय के देवों के लिए यह मंगल भावना भाता हूँ कि हे भगवान, इन जिन बिंबों की पूजा करने का इन्हें यह सौभाग्य मिले कि ये सभी प्राणी, ये सभी आत्माएं जब भी कभी इनके समक्ष आगामी काल में कार्तिक के, आषाढ़ के, फागुन के ये महीने आए तो इनका मन अपने आप इसी तरह की यह नंदीश्वर पूजा करने का बन जाए। भगवान की आराधना करते हुए, जिन बिंबों की आराधना करते हुए नंदीश्वर द्वीप का यह महापर्व, कल आपको कहा था कि अनादि अनिधन है और इस पर्व में तीर्थंकरों के पूर्व जीवन की भी अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं।
कल आपको एक राजा मेघरथ के बारे में बताया था। वह राजा मेघरथ नंदीश्वर के इन पर्वों में भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने के उपरांत उपवास करके बैठे थे। उपवास के साथ भी यह पर्व करने की एक परंपरा प्राचीन है और नंदीश्वर के व्रतों के साथ भी इन भगवान की आराधना करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना यह भी पुरातन काल से होता चला आया है। जब वह आराधना हो चुकी, उपवास के साथ में वह निष्ठापन भी हो गया, उपदेश का क्रम था और कल आपको बताया था कि वह राजा उपदेश देते समय पर देखते हैं कि उनके सामने एक कौआ आ गया और एक गीद आ गया। जब गीद ने कहा कि यह मेरा भक्ष्य है, ये मेरा आहार है, तो उस समय पर उन्होंने उस गीद को समझाया। यह एक महत्वपूर्ण बात है समझना कि जैन दर्शन में दान की महिमा तो बहुत बताई गई है, लेकिन दान किस चीज का देना यह ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आप विचार करें कि एक राजा है, उसके समक्ष एक कोई मांसाहारी पक्षी आया है और वह किसी कौआ या कबूतर का पीछा कर रहा है और वह आकर के उसके समक्ष कहता है कि आपने ये मेरा जो भक्ष्य था, मेरा जो आहार था, उसको आपने अपने पास में रख लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उस समय पर वह राजा मेघरथ उसको समझाते हैं, मांसाहार अच्छी बात नहीं, और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये हमारे लिए कोई धर्म संकट का कार्य है तो हम इसे बिल्कुल भी धर्म संकट नहीं समझते। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाने के लिए हम और चीजें देंगे, लेकिन किसी को मार करके खाना ये कभी भी अच्छी बात नहीं और यह पाप का कार्य है और इस पाप के कार्य की अनुमोदना हम कभी भी करेंगे नहीं। आप सोचें कि यह प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उपवास के साथ में बैठा है वह भला कैसे किसी मांसाहारी को मांस करने की, मांस खाने की अनुमति दे सकता है, और वह जब प्रसंग सामने आता है तो उस समय पर वह उस गीद को समझाता है कि तुम्हारा यह विचार अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए भी देने योग्य दान नहीं है। और ये बात आपको बताना चाहता हूं कि वह गीद जो आया था वह उस राजा की परीक्षा करने के लिए ही आया था, और वह परीक्षा और किसी विषय में नहीं, उसके दान का विवेक देखने के लिए आया था, उसके दान की परीक्षा करने के लिए ही आया था। उसकी चर्चा स्वर्गों में होती थी कि ये दानवीर अगर राजा भरत क्षेत्र में या इस धरती पर पूरे ढाई द्वीप में कहीं है तो वह मेघरथ राजा है। ऐसी चर्चा स्वर्गों में होती है दानवीरों की। सुन रहे हो, दान में होड़ लगी हुई है यहां पर। स्वर्ग में चर्चा किसकी होगी? जो उस होड़ में सबसे आगे होगा उसमें, उसकी चर्चा स्वर्ग में होगी। और अब स्वर्ग में चर्चा होगी तो अलग से कोई स्वर्ग के देवता तो भला क्या आएंगे, यहीं पर सब बैठे हैं। सौदर इंद्र भी यहीं बैठे हैं, ईशान इंद्र भी यहीं बैठे हैं। जब स्वर्ग में चर्चा होती है तो ऐसे ही गुणों की चर्चा होती है। केवल भरत क्षेत्र ही नहीं, जम्बू द्वीप ही नहीं, धात की खंड भी है, पुष्करार द्वीप भी है, और इन सब द्वीपों में भी हमेशा मनुष्य अनादि अनिधन इस पर्व को मनाते रहते हैं। और
उस समय पर जब यह घटना घट रही है और सामने ये प्रसंग आ रहा है, तो वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि इस राजा के अंदर दान देने का विवेक कितना है। दान के नाम पे कुछ भी दे दे, कुछ भी कर दे, ये नहीं। आपने ये घटना कहीं और भी सुनी होगी, शायद स्कूलों की क्लासों में भी कहीं आपने पढ़ी होगी कि ये राजा जब इस तरह के कोई प्रसंग आता है तो वह अपने जंगा का मांस काट करके उसे दे देता है। सुन रहे हो, ये भी पढ़ी होगी आपने। लेकिन तीर्थंकरों ने कभी ऐसा कहा नहीं, यह दान नहीं कहलाता। कोई भी प्राणी अगर आपके सामने इस तरह से कहे कि हमें यह देना है और हमें इस तरह की भूख लगी है, हमें इस तरह की जरूरत है और आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे प्राणों की रक्षा करें, तो जैन तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग में इतना विवेक रखा गया है, इतना विवेक के साथ में धर्म बताया गया है कि आपको क्या देना और क्या नहीं देना, इसका विवेक हमेशा बनाए रखना। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि जैन धर्म अंधविश्वासता का धर्म नहीं, रूढ़िवादता का धर्म नहीं, लौकिकता में कोई भी कुछ भी करे उसका धर्म नहीं। किन्हीं भी राजाओं की कहानियां लौकिकता में हमें पढ़ाई जाए उससे मतलब नहीं। जैन धर्म पूरे ज्ञान और विज्ञान और विवेक के साथ चलता है। विवेक एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमेशा सही और गलत का निर्णय करना बताया जाता है। देने योग्य चीज क्या है इसका भी निर्णय दाता को होता है, तब उस दाता के लिए पुण्य का बंध होता है। अगर आपके सामने कोई मांसाहारी प्राणी आ जाए और आप उसके लिए मांस प्रदान कर दें तो आप दाता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो देह चीज भी नहीं है और वो दाता का धर्म भी नहीं है। ये बहुत बड़ा विवेक ज्ञान दिया गया है, ये तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। लोग दान के नाम पर ये समझते हैं, दान का मतलब जिसको जो जरूरत है वो दे दो, ये बात सही नहीं कही गई। जिसको जो जरूरत हो वो दे दो। मांसाहारी को मांस की जरूरत है, चोरी करने वाले को किसी चुराने वाली चीजों की जरूरत है, ऐसे अनेक व्यसनी आपके सामने आ जाएंगे, वो अलग अलग तरह की चीजें मांगेंगे, कोई किसी की बेटी मांगेगा, कोई किसी की बहू मांगेगा, भाई दान देना था, हमें किसी को परेशान नहीं करना था, हमारे पास कोई मांगने आया हमने उसको वो दान दे दिया। इस तरह के दानों की प्रशंसा लौकिकता में हो सकती है, पूरे विश्व के अंदर भी हो सकती है, लेकिन जैन धर्म अपने आप में इतना वैज्ञानिक धर्म है कि वह ऐसे दानों की कभी प्रशंसा नहीं करेगा। दान देना श्रावक का प्रमुख धर्म बताया गया, प्रमुख कर्तव्य बताया गया कि दानम पूजा सावयाणम मुख्यो धम्मो। अगर श्रावकों का कोई मुख्य धर्म है तो वो क्या है? चार प्रकार का दान देना और जिनेन्द्र भगवान की, गुरु आदि की पूजा करना, ये श्रावक का प्रमुख धर्म है। उन चार प्रकार के दान में कौन सा दान बताया गया? तो आहार दान कहा गया, औषध दान कहा गया, अभय दान कहा गया, उपकरण दान कहा गया। और इन दानों में कोई भी दान ऐसा नहीं कि अगर आपको आहार दान के लिए भी कहा गया तो आप आहार में कुछ भी दे दो। ये दाता का विवेक पहले रखा गया है कि दाता किस चीज को दे, और दाता जिसको दे वह देने वाला जो हो वो भी पात्र हो, और पात्र को दिया गया दान की महत्ता अगर कहीं मिलेगी तो आपको जैन दर्शन में मिलेगी। पात्र का भेद अगर कहीं मिलेगा तो आपको जैन दर्शन में मिलेगा। पात्र तीन प्रकार के बताए गए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन्य पात्र। पात्र माने आपका बर्तन नहीं, पात्र माने योग्य व्यक्ति। जो दान देने के योग्य हो उसको पात्र कहा जाता है, और उस पात्र को भी अगर आप ढूंढ पाए तो आपके दान की विशेषता बन जाएगी। उत्तम पात्र को दान देने का फल उत्तम है, श्रेष्ठ है। मध्यम पात्र को दान देने का फल मध्यम है, और जगन्य पात्र को दान देने का फल जगन्य है।
और ये सभी पात्र शुरू होते हैं कहां से, तो जहां से उनके अंदर सही मार्ग के प्रति श्रद्धान उत्पन्न हो जाए वहां से पात्रता शुरू होती है। जहां श्रावक के अंदर भी अगर ये विवेक उत्पन्न हो जाए कि यह मार्ग सही है और हमें इन्हीं निर्ग्रंथों के मार्ग पर श्रद्धान करना है, हमें इन्हीं तीर्थंकर के मार्ग पर श्रद्धान करना है, तो वह श्रावक भी अपने आप में एक पात्रता ले आता है, उसको भी जघन्य पात्र कहा जा सकता है। लेकिन होना चाहिए पहले पात्र। और अगर आपको कभी दान देने की इच्छा पड़ जाए कि हमें दान देना है, तो आप दान दे सकते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं दान वही दान कहलाएगा जब आप पात्र को दान दें, और अगर पात्र नहीं है तो पात्र को बना लें। पात्र को बना करके भी दान दिया जाता है। जीवंधर कुमार का चरित्र पढ़ा जा रहा था और उस चरित्र में जीवंधर कुमार को देवों ने अनेक वस्त्र भेंट किए, आभूषण भेंट किए, उपहार भेंट किए। जीवंधर कुमार को लगा मेरे लिए इतनी चीजों की क्या आवश्यकता है, मैं इसे किसी को दान कर दूं, किसी को दे दूं। जब उनने मन बनाया कि मैं किसी को दे दूं, तो वो सोचने लग गए कि दूं तो किसको दूं, यहां कोई दिख नहीं रहा है। तो उन्हें सामने आता हुआ एक किसान दिखा, तो उस किसान से वह चर्चा करने लगे। और किसान से चर्चा करने के बाद में पहले उन्होंने किसान से सब वार्तालाप कर लिया, क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारा श्रद्धान है। तो उन जीवंधर कुमार ने पहले उस किसान को जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए इस मार्ग के बारे में बताया, पहले उन्हें उस सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि देखो इस संसार में भटकते हुए हमारी आत्मा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त हुई है, और इस मनुष्य जीवन में अगर हमने अपनी आत्मा पर श्रद्धान किया, अपनी देह को अपनी आत्मा से भिन्न जान करके अगर हमने श्रद्धान किया, तो हमारी ये श्रद्धा के माध्यम से हमारी अंदर ऐसी विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण से आपके अंदर हमेशा सही रास्ता मिल जाने से सुख की प्राप्ति होती रहेगी। इस दुनिया में हमें शांति चाहिए तो हम भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करें, जिन जिनेंद्र देव को दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर के पाप, हमारे अंदर के कलमस अपने आप धुल जाते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव पर अपनी श्रद्धा बनाएं। और ये उपदेश उन्होंने दिया एक किसान को। जब उसने ये उपदेश सुना तो वह उपदेश सुनने के उपरांत उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा इस बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें इसके लिए करना क्या होगा। तब उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई तो उन्होंने कहा अड़ू व्रतों का पालन करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी एक सीमा बनाओ, और ये मन में विचार करो कि हम कभी भी किसी भी प्राणी का बेवजह हिंसा नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे। इस तरह से उसे पांच अड़ुव्रतों का ज्ञान दे दिया और उसने वो पांच अड़ुव्रत स्वीकार कर लिए। आप सोचो, एक श्रावक जब भी किसी के लिए कुछ देता है तो वह देने से पहले उसको पात्र बनाता है। यह पुरानी परंपरा है, यह क्षत्रियों की परंपरा है और यह अनादि निधन दान देने की परंपरा है। आपको कभी भी अगर किसी को देना है तो देने से पहले आप उसको पात्र बनाइए, योग्यता उसके अंदर लाइए, और योग्यता आने के बाद आप उसको कुछ प्रदान कीजिए। जीवंधर कुमार ने एक किसान को श्रद्धालु बना दिया। जीवंधर कुमार ने उस किसान को पांच अड़ुव्रत प्रदान कर दिए और जब उसने पांच अड़ुव्रत स्वीकार कर लिए तो उन्होंने अपना हार, जो वह देव प्रदत्त हार था, उसको पहना दिया, उसको दे दिया और कहा लो आज मैंने अपने दान का कार्य निभा लिया। मुझे बहुत दिनों से दान करने का मन हो रहा था लेकिन कोई पात्र नहीं मिल रहा था, आज तुम हमें पात्र बन गए, हमने तुम्हें दान कर दिया। एक श्रावक भी दान करने के लिए जब बेताब होता है तो वह अपने दान को देने से पहले देखता है कि मैं ये दान किसको देना है,
और ये दान देने के लिए अगर उसे कोई नहीं मिलता है तो वह खुद ब खुद पात्र बना करके उसे दान देता है। वह भी एक पात्र बन गया लेकिन वह जघन्य पात्रता की श्रेणी में आएगा। ये आप जानते हैं, एक श्रावक भी पात्र है, जो जिन धर्म का श्रद्धालु है, जो अड़ू व्रतों को धारण करता है, जिसके अंदर अन्य जीवों की त्रस जीवों की हिंसा के त्याग का परिणाम होता है, वह भी अहिंसक जीव आपका एक पात्र है। आपको जब भी दान देने का भाव आए तो पहले यह देखना पड़ेगा कि यह जीव कभी जीवन में हिंसा तो नहीं करेगा। आपको अपने कभी ब्लड को डोनेट करना होता है, कभी किडनी को डोनेट करना होता है, कभी आपको अपने और भी शरीर के कुछ भी अंग डोनेट करते हो, आप सोचते हो दान है। ये दान नहीं है। दान वह वस्तु होती है जो देने योग्य होती है, और जिसको देने योग्य होती है वह देने योग्य वस्तु कभी भी गंदी वस्तु नहीं होती है। शरीर का मांस, शरीर के अवयव, ये देने योग्य वस्तु नहीं है। देने योग्य वस्तुएं आहार है, औषधि है। आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि दान कौन सी चीज है जो देने योग्य है। देने योग्य वस्तुएं प्रासुक होती हैं, जीव से रहित होती हैं, जीव के हित के लिए होती हैं। मांस आदि का देना कभी भी दान नहीं कहा गया। आप अगर कभी आवश्यकता पड़ती है और कभी इस तरह की चीजों को डोनेट करते हैं तो आप उसको एक दान ना समझ करके उसे आप एक सहायता समझें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे दान की श्रेणी में ना रख करके इसे एक सहायता कोष की श्रेणी में रखें। लेकिन आप ये ना समझें कि इसको हमने दान कर दिया। ये दान की चीजें नहीं है, देने योग्य वस्तुएं नहीं है। दान जब भी होता है तो आचार्य कहते हैं अच्छी चीजों का होता है, और वह चीजें दूसरे के लिए उपकार करने वाली होनी चाहिए, अपने लिए भी उपकार करने वाली होनी चाहिए, और जिसको दिया जाए वह भी पात्र होना चाहिए, तब वो दान की श्रेणी में आता है। आपके सामने कोई भी मांसाहारी प्राणी खड़ा हुआ है और वह कह रहा है कि मुझे इस जीव को मारना है क्योंकि यही मेरी भूख को संतुष्ट करेगा, तो आप उसके लिए वह जीव प्रदान कर देंगे कि आप उसे समझाएंगे कि आप उसे रोकेंगे? और आपके मन में विचार आएगा कि अगर हम उसे रोकेंगे तो हमारे लिए भी कहीं अंतराय कर्म का बंधना हो जाए कि मैं उसके आहार में विघ्न डाल रहा हूं। यह धर्म संकट जब आपके सामने आएगा तो आप क्या निर्णय लेंगे? आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि यह देह वस्तु नहीं है। किसी भी जीव को प्रदान कर देना, किसी का मांस प्रदान करना, यह देह वस्तु नहीं है। और यही उन राजा मेघरथ ने किया। उन्होंने उसको समझाया और वह समझ गया। जब वह समझ गया तो समझने के बाद में उसके परिणाम इतने निर्मल हो गए कि कल भी आपको कहा था कि वह अगली गति में जाकर के वह मरण उपरांत देव बन गया। एक गीध भी देव बन गया, एक कौवा भी देव बन गया। किसके कारण से? उसकी केवल भूख को शांत करने के कारण से, या भूख के साथ कुछ और भी चीज होती है जिसको शांत करना चाहिए? जीव का कल्याण केवल भूख की शांति से नहीं होता। जीव का कल्याण होता है उसके अंदर कोई तत्व का ज्ञान आ जाने से, उसके अंदर सही मार्ग के प्रति श्रद्धा आ जाने से। अगर आप किसी को रोकते हुए भी सही मार्ग के लिए रोक रहे हो कि भाई इस गलत मार्ग पर न जाओ, सही मार्ग पर चलो, तो ये आपके लिए उसको रोकना कोई पाप बंध का कारण नहीं होता, कोई अंतराय का कारण नहीं होता। अगर आप होते तो शायद उसकी उस भूख को मिटाने की कोशिश करते तो शायद ऐसा ही करते, कुछ भी दे देते। लेकिन उस भूख के मिट जाने के बाद भी वह जीव मांसाहारी बना रहता तो उसके लिए सदगति की प्राप्ति कभी नहीं होती। लेकिन जब उस राजा ने उसे समझाया तो एक तरफ तो उसने मांस का भी त्याग किया और दूसरी तरफ जब उसका मरण हुआ तो उसे देवगति की प्राप्ति हुई। यह उस जीव के लिए दिया गया कितना बड़ा दान है। इस दान को आचार्य कहते हैं ज्ञान दान, सबसे बड़ा दान है। और इस तरह के दान को ही अगर हम प्रमुखता से सामने रखेंगे तो हम समझ पाएंगे
कि जो भी हम द्रव्य अर्पित करते हैं वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त करते हैं, तो वह वीतराग प्रभु के निमित्त किए गई जो द्रव्य है, जो अर्पित की गई द्रव्य है, या जो उत्तम पात्र के लिए अर्पित की हुई द्रव्य है, वह सब उत्तम फल देने वाली होगी। यह विचार करके जो व्यक्ति दान देता है तो उसे अच्छा दाता, उत्कृष्ट दाता भी कहा जाता है। दाता के भी गुण होते हैं, और वह दाता जब इस तरह से गुणों के साथ में दान देता है तो उसका वह दान इस बात को परिभाषित करता है कि हमें दान की जो परिभाषा है वह पता होनी चाहिए, और वह परिभाषा यही बनती है, स्व और पर दोनों का उपकार तो हो, लेकिन वह उपकार आपको पता होना चाहिए कि वो उपकार किससे होगा। तात्कालिक भूख के निवारण से उपकार होगा, या उस भूख को दूर करने के लिए उसे जो हम शाकाहार दे रहे हैं या उसे हम जो ज्ञान दे रहे हैं उससे हमारे लिए वह उपकार होगा। यह जब हमारे अंदर विज्ञान आ जाएगा तो ये दान का विज्ञान कहलाएगा। दान हर कोई देता है, लेकिन हर चीज दान की श्रेणी में नहीं आती है। बड़े बड़े अरबपतियों को आप देखेंगे, बहुत बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बड़ी बड़ी चीजों में, बड़ी बड़ी बीमा की इंश्योरेंस की कंपनियों में उनके डोनेशन लगे रहते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के रूप में उनके डोनेशन लगे रहते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें उनके डोनेशन लगे रहते हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, वह डोनेशन इस रूप में नहीं होता कि हमने दे दिया तो अब हमें उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए। डोनेशन माने दान जो होता है वो दान दान की श्रेणी में तब आता है जब देने के बाद में फिर दोबारा उससे कुछ भी रिटर्न की इच्छा नहीं की जाती है, और ऐसा दान करने को नाम ही दान कहा गया है। देने के बाद फिर हमें उसके बदले में ये मिले वो मिले इसकी कोई भी इच्छा नहीं। आप ये समझ बैठे हैं कि इन्वेस्टमेंट में और दान में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? जब आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में उसके शेयर, उसके भी साथ में आपका कुछ शेयर हो जाता है, और उसको भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट उससे लेते रहते हैं। लेकिन दान क्या होता है? देने के उपरांत अब उससे जो प्रॉफिट हो रही है, कोई भी चीज चल रही है, अब उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसका नाम कहलाता है दान। बड़े बड़े लोग होते हैं, वॉरेन बफेट जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों में दान करते हैं, लेकिन उसको दान नहीं कहते हैं, वो सब इन्वेस्ट करते हैं, और वह दान करने के लिए भी सोचते हैं कि हमें कहां पर दान करना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें उन चीजों में दान करने को मिले जो चीजें लंबे समय तक चलें। तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि लोगों की जरूरत क्या होती है, तो भाई इंश्योरेंस कंपनियां ये लोगों की जरूरतें हमेशा बनी रहेंगी। कुछ ऐसे भी खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हमेशा जरूरत बनी रहती है, तो ऐसी कंपनियों में वह अपना वह पैसा लगाते हैं जिसके कारण से निवेश करते हैं, जिसके कारण से उन्हें वह कंपनियां हमेशा चलती रहें और लोगों के लिए सहूलियत मिलती रहे। अब वो कंपनियां चाहे किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली हों, चाहे वो किसी भी तरीके का टमाटो सेक बना रही हो, या फिर कोई भी जो है पिज्जा बर्गर बनाने वाली कंपनियां हो, उन सब में वो डोनेट करेंगे। आप इसको दान कहेंगे या इसको निवेश कहेंगे? ये निवेश है। दान होने का मतलब है कि जो हो गया उसके बाद में हमें अब बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो दिया जाए वह दिया जाने वाला द्रव्य पात्र के लिए पहुंचे, उसकी आत्मा के कल्याण के लिए हो, न केवल शरीर के लिए किंतु उसकी आत्मा के कल्याण के लिए हो, इस दृष्टि से दान देना अगर कहीं सिखाया गया है तो वह मात्र जैन धर्म में सिखाया गया है। आत्मा के कल्याण के लिए आप अगर किसी भी पात्र को अपने घर पर ले जाते हैं, आहार कराते हैं, तो आप क्या सोच करके किसी भी पात्र को आपने दान दिया, आहार दान कराया, आप उस पात्र के लिए क्या सोच करके दान कराते हैं? ये तो मेरा धर्म है, ये तो मेरा
अच्छा लगता है, महाराज आ जाते हैं घर पर अच्छा लगता है, ऐसा या कुछ और भी सोचते हैं इसके आगे? इसके आगे तो कुछ सोचने का मतलब ही क्या है महाराज? कोई भी व्रती होते हैं, साधु होते हैं, बस हमारे मन में भाव हुआ कि हमें उनको अपने घर पर बुलाना है और वो आ गए, बस हमारा काम हो गया, हमने उन्हें जो देना था दे दिया। लेकिन आपको इससे आगे शायद आपका दिमाग चलता नहीं। आपने जो दान दिया पात्र के लिए, वह दान किसके लिए दिया? जो शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, जो शरीर से भिन्न आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की आराधना करने के लिए जी रहे हैं। और ऐसे पात्र को अगर आपने दान दिया तो आपका वह अन्न उस शरीर में जाकर के भी उस आत्मा में चिपकेगा, आत्मा में रस देगा, क्योंकि वह उससे जो ज्ञान और ध्यान करेगा तो उसके माध्यम से उसके रत्नत्रय की आराधना में बल मिलेगा। तो यह जो बल मिलेगा वो आपके अन्न से मिलेगा। तो यह आपका अन्न आत्मा की आराधना करने में लग गया। ये दान की प्रक्रिया हमेशा धर्म कहा गया है, इसको धर्म कहा गया है, जो श्रावक के लिए धर्म कहा गया कि श्रावक दान धर्म को करे। जो दान हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए हो, जो दान हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि के लिए हो, जो दान हमारे सम्यक चारित्र की वृद्धि के लिए हो, वह दान प्रमुख दान है। मानो आपने विधान किया, आपने अनेक द्रव्य का दान दिया, ये दान किसकी वृद्धि में जाएगा? ये सम्यक दर्शन के खाते में जाएगा, क्योंकि आपने भगवान के पूजा की, अनुष्ठान की, और उस अनुष्ठान में अनेक तरह से आपने अपना द्रव्य लगाया, ये आपने सम्यक दर्शन की वृद्धि का कार्य किया। सम्यक दर्शन की वृद्धि अनेक तरह से होती है। आचार्यों ने कहा कि श्रावक के द्वारा जब जिनेंद्र भगवान की महापूजाएं की जाती हैं, महाविधान किए जाते हैं, तो उससे जो प्रभावना होती है वह प्रभावना भी सम्यक दर्शन की वृद्धि का कारण बनती है। आज देखो आप जिनेंद्र भगवान की इस आराधना से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और कितने लोग जो कभी जानते भी नहीं थे कि नंदीश्वर नाम का भी कोई द्वीप होता है, आज उस नंदीश्वर द्वीप की पूजा भी कर रहे हैं, अर्घ भी चढ़ा रहे हैं, और उस पूजा में इस तरह से तल्लीन हैं कि इनको देख करके लगता है कि इनके सम्यक दर्शन की भूमिका बहुत जल्दी ही बन जाएगी या बनने ही वाली होगी। ये प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग कहा गया है। जब हम सामूहिक रूप से कोई काम करते हैं तो प्रभावना अलग होती है, और उस प्रभावना से जो एक दूसरे के मनों में जो मनोमन पुण्य का अर्जन होता है, क्या सुन रहे हो, प्रभावना से हर किसी के मनों में मनोमन पुण्य का अर्जन होता है, और उसके माध्यम से जब व्यक्ति के अंदर एक बार इस तरह की पूजा के प्रति श्रद्धा बैठ जाती है तो बस उसी का नाम है उस जीव का आत्म कल्याण हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन का भाव उसके अंदर भक्ति के माध्यम से आ गया। ये महाप्रभावना है, यह सम्यक दर्शन के खाते में जाने वाला दान है। एक दान होता है जो सम्यक ज्ञान के खाते में जाता है, एक दान होता है जो सम्यक चारित्र के खाते में जाता है, और एक दान होता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के खाते में चला जाता है। वो कौन सा दान है? समझ में आ रहा है? जो पात्र, जो आत्मा इन तीनों की आराधना कर रहा हो, उसके लिए आपने अगर थोड़ा सा कुछ मुट्ठी भर दे दिया तो वह तीनों के रूप में परिवर्तित हो गया। वो आपके लिए रत्नत्रय निधि को आपने बल देने के लिए दान दे दिया, वह दान सर्वोत्तम दान कहा गया। ये बात इसलिए कहना जरूरी है, आज के पढ़े लिखे लोग वह करते हैं जो दुनिया में देखते हैं, वह नहीं समझना चाहते हैं कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक है कि नहीं, इसके पीछे भी कोई साइंस है कि नहीं। अगर उनने देखा कि किसी करोड़पति आदमी ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवा दी हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ उपकार कर दिया है, तो उन्हें लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।
आपको वह करना चाहिए, करने के लिए मना नहीं है, क्योंकि वह दान भी आपके लिए अभय दान की श्रेणी में आएगा। उसको भी आचार्यों ने कहा यह भी अभय दान है, लेकिन वह अभय दान भी दान तब कहलाएगा जिस बिल्डिंग को आपने बनाया वहां पर आपने अनेक लोगों को रखा, आपने उनको आश्रय दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनमें मांसाहारी ना हो। आपने किसी के लिए कोई आसरा दिया और आसरा देने के उपरांत भी वह व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, अनेक तरह के व्यसन कर रहा है, और आप कह रहे हो कि हमने उसको आसरा दे दिया, तो इस दान की प्रशंसा जैन धर्म में नहीं की गई। आप उसको पात्र बनाइए, पहले आप उसको योग्य बनाइए कि हम जहां पर इन व्यक्तियों को रखेंगे, जिनको हम आसरा देंगे, सहारा देंगे, उन जीवों से पहले समझाइए कि ये लोग कभी भी न मांस खाएंगे, न शराब पिएंगे, न किसी जीवों को मारेंगे, न चोरी करेंगे, न कोई ऐसे गंदे व्यसन करेंगे जो पाप बंध के कारण हैं। और जब लोग इस तरह से आपकी बात मान लें, एक फॉर्म भरवाइए उनसे, और जब वे सब फॉर्म पर आपकी सब चीजें फुलफिल कर दें, तब आप उनके लिए आसरा दीजिए, सहायता दीजिए। आपके लिए वो दान भी बहुत बड़ा दान होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि दान वही दान है जिसके माध्यम से सामने वाला धर्म की वृद्धि करे। केवल जीवन यापन करने का नाम दान नहीं है। ये जो जैन लोगों की जो दृष्टि है, ये एक विशेष दृष्टि होती है जो शरीर से हट करके आत्मा पर ज्यादा टिकती है। और इस तरह की दृष्टि अगर आपके पास नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों को, आप स्वयं भी अपने अंदर वह चीज नहीं समझ पाएंगे कि आखिर दान का महत्व किसके लिए होता है, कब होता है, क्यों होता है। और ये अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है। भगवान शांतिनाथ के तीन भव पहले का मैं वह जीव की घटना आपको बता रहा हूं। जो राजा थे, उन्होंने जीवन भर इस तरह से दान किया, धर्म किया, अंत में जाकर के उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया, और वह मुनि बनने के बाद में इतनी कठोर तपस्या की वो सर्वार सिद्धि में देव बने। और वही जीव, यही मेघरथ राजा का जीव आकर के अगले भव में भगवान शांतिनाथ के रूप में बनते हैं। श्री जीर्ण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम योग प्रणेता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843740।